नमस्कार दोस्तों, अगर आपके एड़ियों में दर्द है और सुबह सुबह पहला कदम रखने में मानो जान से निकल जाती हो तो हो सकता है कि आपको प्लांटर फैसाइटिस का प्रॉब्लम है। मगर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में पांच ऐसे बेहतरीन एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा और वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो मैं आपको एक घरेलू टिप्स भी बताऊंगा जिससे आपका पेन को काफी आराम हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो एक नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारे वीडियो को कभी भी मिस नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, हील पेन यानी हमारे एड़ियों के दर्द का एक मुख्य वजह है प्लांटर फैसाइटिस। प्लांटर फैसाइटिस में प्लांटर फासिया एक सॉफ्ट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे फुट में, जो कि एड़ियों में इंसर्ट होता है, वहाँ पे पेन हो जाता है। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग लिखा है, मेरे ब्लॉग में आर्टिकल आप जाके पढ़ सकते हैं, और उस आर्टिकल में आपको और दूसरे टिप्स भी आपको मिलेंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जा करके दे दूंगा, आप जा करके उसको पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक्सरसाइजेस के बारे में। तो सबसे पहला एक्सरसाइजेस है स्टैंडिंग ऑन टोज। तो इसके लिए पहले आप सीधा इस तरह से खड़े हो जाएं, और फिर अगर आप आगे में किसी सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप किसी टेबल वेबल को पकड़ लें, या फिर आप यूं ही खड़े खड़े भी कर सकते हैं, और फिर अपने टोज में इस तरह से खड़े हो जाएं, फिर धीरे 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 नीचे जाएं, फिर खड़े हों, फिर धीरे 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 नीचे जाएं, फिर खड़े हों। इस तरह से आप इसे 10 से 15 बार मिनिमम करें, लेकिन आप इसे जितना करेंगे उतना अच्छा है। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज है टो स्क्रंच एंड स्प्ले। इसमें क्या करना है कि आपको पहले चेयर में बैठना है और उसके बाद फिर टोज को इस तरह से मूव करना है। इस एक्सरसाइज को और बेहतर करने के लिए आप एक टॉवल को, एक तौलिया को बिछा सकते हैं, और या फिर बेडशीट बिछा सकते हैं, और फिर उसे इस तरह से आप करें कि उसे आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसे आप समेट रहे हैं। ये एक्सरसाइज भी बहुत बेहतरीन एक्सरसाइजेस है जिससे आपका फुट की जो छोटे छोटे मसल्स, मांसपेशियां हैं जो कि आर्च बनाने में मदद करता है, उसको स्ट्रेंथन करने में, उसको मजबूत करने में हेल्प करेगा। इसे भी आप जितना बार करें, 5 मिनट 10 मिनट जितना करें उतना बेहतर है। उसके बाद तीसरा एक्सरसाइज है फुट क्लबिंग। इसे भी आप बैठ के करना है, चेयर में बैठ जाएं, उसके बाद फिर अपने फुट को इस तरह से बाहर की तरफ रोटेट कर लें, और उसके बाद फिर इसको इस तरह से समेटें, इस तरह से इसको फुट क्लबिंग करते हैं, इस तरह से समेटें। इसे भी आप जितना बार करेंगे, 15 20 30 जितना करेंगे उतना अच्छा है। इससे भी आपके फुट के जो छोटे छोटे मसल्स हैं, माइन्यूट मसल्स हैं, उसमें आपको स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। उसके बाद है और हील ऑफ। इसे भी आप बैठ के कर सकते हैं, बैठें और अपने हील्स को इस तरह से उठाएं, फिर धीरे धीरे नीचे रखें, फिर उठाएं, फिर धीरे धीरे नीचे रखें, फिर उठाएं। इसे भी आप जितनी बार रिपीट करेंगे उतना अच्छा है। उसके बाद है स्ट्रेचिंग ऑफ प्लांटर फासिया। हमारे फुट में मसल्स होते हैं जिसको हम लोग प्लांटर फासिया कहते हैं, जो कि एक पैड के रूप में रहता है, उसे हमें स्ट्रेच करना है। तो उसको आप इस तरह से बैठे, अपने दूसरे पैर को इस तरह से ऊपर रखें, और फिर अपने हाथ को इस तरह से रखें, और धीरे 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 करके स्ट्रेच करें। स्ट्रेच पोजीशन में आप 1 मिनट तक होल्ड करके रखें, फिर इसको धीरे 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 छोड़ें। उसके बाद पांचवा एक्सरसाइज है सैंड वॉकिंग। दोस्तों, आपके घर के आसपास आप कोई बालू कहीं जमा है तो वो बालू जमा है वहाँ आप जाइए, और बालू में नंगे पाँव 15 से 20 मिनट आप चलें। नंगे पांव अगर आप 15 से 20 मिनट चलेंगे तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके आर्च को मेंटेन करने में। तो दोस्तों, एक्सरसाइजेस के साथ साथ अगर आप सिलिकॉन हील पैड, एक सिलिकॉन मटेरियल, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल आता है जिसे आप रेगुलरली अपने जूतों के अंदर में इस्तेमाल करेंगे, तो उससे भी आपको धीरे धीरे काफ़ी बेनिफिट होगा। एटलीस्ट आपका पेन जो है, आपका दर्द कंट्रोल में रहेगा। ये सिलिकॉन हील पैड होता क्या है, ये किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।